शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं और इसमें महर्षि हिरण्य जी ने सबसे पहले शतकर्म की चर्चा की है, प्राणायाम और आसन करने से पहले कि हमारा शरीर शुद्ध हो। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ। उन दोषों को, वो दोष हमारे शरीर में ना रहे, इसलिए हम इस क्रिया को करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास धोती क्रिया आती है, फिर उसके बाद धोती के बाद वस्त्र क्रिया आती है, फिर नेति क्रिया आती है। सर आप ये लिख लीजिए, आपके लिए अच्छी चीज है, धोती वस्त्र नेति नोली त्राटक और कपाल भाता, ये चीज छह कर्म में आते हैं। और इनमें आपको जो महर्षि हिरण्य ने बताए हैं उस पर चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा से अंदर नहीं जाएंगे। इसके जो बाहर बाहर है आउटर में है जो आप कर सकते हैं वो महर्षि हिरण्य जी बताएंगे। धोती बस्ती नेति नोली त्राटक और कपाल भाति, धोती बस्ती नेति नोली त्राटक कपाल भाति, ये हमारे शरीर में जो भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं वो इस क्रिया को करके और अपने जो तीन दोष आते हैं उनको समावस्था में लेके आ सकते हैं। इनको उस ऋषि का एक बार नाम पता हिरण्य से ही था। वैसे तो सारे जो भी हमारे ऋषि जी हैं उन्होंने सभी ने इसका परिचय दिया है, सभी ग्रंथों में ये है, हट प्रतिपिका में है, हिरण्य संहिता में, शिव संहिता में है, लेकिन सबका मानना अलग अलग है। लेकिन हिरण्य ऋषि भी अच्छे ऋषि हैं, उनके उनकी बात हम बताएंगे आज आपको कि उन्होंने किस किस प्रकार से कैसे कैसे हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, शरीर में जो तीन दोष हैं उसको समावस्था में लेके आ सकते हैं। और ये आप पहले ही से परिचित होंगे, लेकिन आप उस चीज को देखे हैं, बस सुने हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, लेकिन उस चीज को हम करते नहीं हैं डेली के अभ्यास में। तो सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि क्रिया करेंगे। धोती क्रिया में सबसे पहले आता है, चार प्रकार की धोती बताई है, अंत धोती। अंत धोती में हम अंत धोती के अंदर भी चार प्रकार के, चार प्रकार से डिवाइड करे गए हैं, चार प्रकार से बताया गया है अंत धोती में। जैसे बादशाह, वारिसार,
लिख लीजिए सर ये अंक धोती, धोती के अंदर अंक धोती आएंगे, अंक धोती चलिए। अंक धोती में वातसार में क्या होता है सर, हम जैसे अपनी पवन को कौवे की चोंच की तरह बनाते हैं अपने मुख को और वो पवन पीते हैं, मतलब एक हवा को पीते हैं और वो डगार के माध्यम से हम निकाल देते हैं, ये है वातसार। अंक धोती में वातसार, वारिसार ये बहुत ही अच्छी क्रिया है सर, आप अगर करना चाहें तो बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। वारिसार धोती को हम शंख प्रशालन क्रिया भी बोलते हैं, शंख प्रशालन क्रिया वारिसार धोती को। इसमें क्या होता है, शंख प्रशालन में आप एक बड़ी सीख लेंगे।